कैसे हैं आप सभी आई हो बहुत अच्छे होंगे मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला टू फोर सेवन सेशन में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आपका टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है हर एक साल मतलब यहां से आपका इस इम्पोर्टेंट टॉपिक से हर साल सवाल आता ही आता है वो क्या है वो आपका नरष्ट समीकरण इक्वेशन जो है वो हर साल यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है इसके फॉर्मूले मतलब सूत्र के बारे में बात करेंगे और इसके जो प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल्स जो हैं इनके बारे में बात करेंगे देखो थंबनेल पे लिखा हुआ है हर बार की तरह इस बार भी पूछा जाने वाला प्रश्न क्योंकि हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता है इस वजह से आप इस टॉपिक को कतई छोड़ के ना जाए ठीक है ये आपका एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है यहां से सवाल बनता ही बनता है तब इस वीडियो में कंप्लीट पूरी इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको यह कॉन्सेप्ट और यह टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी ठीक है तो आइए समझते हैं भाई नरस्ट समीकरण क्या होता है एक बार देखेंगे इसका फॉर्मूला होता है आपका लिखेंगे ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस के आर टी अपॉन में एन एफ एल एन पी की कंसेंट्रेशन और आर की कंसेंट्रेशन ये आपका फॉर्मूला होता है अब ये फॉर्मूला होता है कौन यहां पर क्या है इस बात को समझेंगे लिखेंगे यहां यहां ई सेल ई सेल का मतलब क्या है ई e सेल का मतलब है सेल का विभव सेल विभव ठीक है सेल विभव ठीक है ई सेल का मतलब है सेल का क्या विभव पोटेंशियल ठीक ई e एम एफ विद्युत वाहक बल सेल का विद्युत वाहक बल ई नॉट सेल, इसका इसका मतलब क्या है इसका मतलब है मानक मानक सेल विभव मानक सेल विभव ठीक है यह होता है मानक सेल विभव अब आर की बात करेंगे तो आर क्या है आर आपका गैस स्तरांक है क्या, क्या है गैस कॉन्स्टेंट है गैस है, गैस कांस्टेंट कांस्टेंट है, है? जिसका मान कितना होता एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल कैलविन इनवर्स मोल इनवर्स ठीक है, होता है Joule, Inverse, Inverse, ये होता है आगे बात करेंगे टी टी का मतलब है यहां पर तापमान क्या है तापमान टेम्परेचर ठीक है आपके एन की बात करेंगे एन यहां पर है इलेक्ट्रॉनो इलेक्ट्रॉनो की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या ठीक है अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं कितने त्यागे जा रहे हैं उनकी संख्या एफ यहां पर है आपका फेराडे फेराडे क्या है फेराडे नियतांक है ठीक है भाई फेराडे नियतांक जिसका मान होता है छानवे हजार सौ के आसपास मतलब एक्चुअल हम बात करेंगे तो होता है छानवे हजार चार सौ सतासी लेकिन हम ५०० सौ लिख लेते हैं इसे ये हो जाएगा आपका कूलाम ठीक है इतना होता है एफ का मान अब देखो यहां लिखेंगे पी कंसंट्रेशन जो पी है इसका मतलब क्या है उत्पाद की सांद्रता उत्पाद की सांद्रता ठीक है उत्पाद की सांद्रता है ठीक ऐसे ही हम आर की बात करेंगे किसकी आर की बात करेंगे तो अभिकारक की अभिकारक की की सांद्रता अभिकारक की शांता ठीक है तो सबको आपको पता चल गया कौन सी क्या चीज है किसका कितना मान होता है बिल्कुल इसी फॉर्मूले को हम और ड्राइव करेंगे और अच्छे तरीके से ड्राइव करेंगे तो भैया और हम समझेंगे फॉर्मूले को जिसे हम यूज करते हैं कहां पर? जिसे हम यूज करते हैं भैया किसमें आपके न्यूमेरिकल्स में किसमें न्यूमेरिकल्स में तो देखो अभी जो फॉर्मूला पढ़ा उसमें ही हम मान पुट कर दें क्या कर दें सबके मान पुट कर दें तो ये फॉर्मूला क्या बनता है लिखेंगे ई e सेल बराबर ई e सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस के माइनस के देखो आर था माइनस के क्या था आपका ये माइनस के आर और टी तो देखो आर का मान इतना होता है वो रख दूंगा ये जो अभिक्रिया आपकी होती है वो रूम टेम्परेचर पे होती है सभी रूम टेम्परेचर पर कक्ष ताप पर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है कितने पर तो मैं यहां पर लिख देता हूं 25 डिग्री सेल्सियस पर और 25 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 298 केल्विन कितना 298 केल्विन एफ का मान आपको पता है 96 ठीक है और इसे ln को लॉग में बदलने के लिए हमें 2.302 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है 303 का ठीक है तो ये ये मान हम क्या करते हैं रखते हैं इसमें तो लिखेंगे भैया r का मान 8.314 ठीक है r t टेंपरेचर कितना भाई अभी बताया है आपको कितना 200 98 केल्विन ln को लॉग में बदलने के लिए हमें 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो ln की जगह हो जाएगा लॉग ठीक है अपॉन में एन को आप ऐसे ही रहने दोगे क्योंकि किसी किसी रिएक्शन में में एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है दो तो किसी में और ये हो जाएगा आपका लॉग पी और यहाँ पर ये यह हो जाएगा आर ठीक है ये आपने रख दिया बात क्लियर जी सर बिल्कुल क्लियर जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्मूला कैलकुलेट होके आपका आएगा माइनस के जीरो पॉइंट जीरो पी की कंसंट्रेशन अपॉन में आर की कंसेंट्रेशन ठीक है जी ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इसको आपको क्या है याद रखना है जिसको आपको क्या करना है याद रखना है ठीक है इसको आप नोट कर लेंगे ये आपके लिए इंपोर्टेंट फॉर्मूला ठीक है जी इंपोर्टेंट आपको इसी फॉर्मूले को क्वेश्चन में पुट करना है ठीक है एक तो आपका ये फॉर्मूला अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर आपने एक चीज और लिखी है वो क्या वो ये लिखी है कि ई e सेल यदि ई e सेल कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला लेकिन ई नॉट सेल का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे यदि हमें E नॉट सेल का मान नहीं दे रखा हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है भैया E नॉट सेल बराबर E नॉट ई नॉट ये हो जाएगा आपका राइट राइट माइनस 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 ई e नॉट लेफ्ट सर ये राइट लेफ्ट का क्या मतलब है मैंने आपको डेनियल सेल पढ़ाया डेनियल सेल में जो राइट और लेफ्ट सेल जो होते हैं ना उनकी बात कर रहा है कि सर इससे समझ नहीं आया तो देखो राइट लेफ्ट से आप समझ लेंगे नहीं तो आप जिस पर कैथोड मतलब जो कैथोड है वो माइनस के एनोड ठीक है ये भी आप समझ लेंगे ठीक है और आपको और लिखा दू नॉट e ई नॉट e यहां पर रिडक्शन रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन अपचयन क्या नॉट e पर ऑक्सीडेशन क्या ऑक्सीडेशन ठीक है ये आप लिख लेंगे और क्या हो सकता है भैया और क्या हो सकता है हमने ये फॉर्मूले लिख दिए भाई हुँ? नेगेटिव पॉजिटिव तो इससे आप क्या है इससे आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे इससे आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे किसका ई नॉट सेल का मान ठीक है ई नॉट सेल का मान आप इन फार्मुल से कैलकुलेट करेंगे अब इनको हम पर इनका एप्लीकेशन मतलब इनके यूज करते हैं इन फॉर्मुलों का न्यूमेरिकल्स पर कैसे न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस बात को यहाँ पर हम करने वाले ठीक है तो एक क्वेश्चन आपके सामने है इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे वो तो कह रहा है निम्नलिखित सेल के ईएमएफ e की गणना कीजिए या तो आपसे कह दे ईएमएफ e विद्युत वाहक बल ये कह दे या आपको ई e सेल कह दे बात एक है ठीक है जी एक ही बात है आपसे कह दे ईएमएफ e कैलकुलेट करो या ई सेल कैलकुलेट करो तो आपको घबराना नहीं है आपको घबराना नहीं है वो कह रहा है कि ये आपको क्या दे रखा है ये आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो सेल को भैया कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है जी ऐसे तो यहां पर देखेंगे जिंक का क्या हो रहा है जिंक देखो यहां पर जीरो चार्ज यहां पर दो हो रहा है तो मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन ये बात समझ में आई जी सर समझ में आ गई अब देखो यहां पर देखेंगे यहां पर प्लस दो यहां जीरो हो रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है ठीक है जिन बच्चों ने डेनियल सेल टॉपिक नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेंगे तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपके आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कहां पर आपका अपचयन हो रहा है ठीक है हाँ ठीक है और देखो ऑक्सीडेशन किस पर होता है एनोड पर होता है किस पर होता है एनोड पर होता है ठीक है और रिडक्शन किस पे होता है कैथोड पर होता है किस पे होता है कैथोड पर होता है ठीक है डेनियल सेल में जबकि देखो यहाँ पर ये आपका बन रहा है ई नॉट ये आपको दे रखा है Zn एन से जेड मतलब इनके मान आपको दे रखे हैं कितने एक का ये दे रखा है और दूसरे का कॉपर वाले का ये दे रखा है वो कह रहा है इनकी मात्रता इनकी मात्रा सांद्रता एक मोलर है मतलब इनकी जो आ, जो आयनिक जो वैल्यू दे रखी है आपको ये वन मतलब वन मोलर दे रखी है ठीक है ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है अब आप क्या करेंगे भैया आप जो पहले फॉर्मूला नोट करेंगे तो फार्मूला आपका क्या है भैया फॉर्मूला याद होना चाहिए फॉर्मूला आपका ई e सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस के जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन में एन और ये हो जाएगा लॉग ये हो जाएगा आपका पी अपॉन में ये हो जाएगा आपका आर ठीक है इस प्रकार से ये हो जाएगा बात क्लियर ये फॉर्मूला होता है अब सर ई नॉट सेल का मान तो दे ही नहीं रखा तो फॉर्मूला e के लिए वो क्या e. नॉट सेल का मान आप कैसे निकालेंगे e. मैंने बताया था राइट अब राइट कौन सा भैया आपका ये वाला राइट है तो कॉपर वाले इसका मान कितना दे रखा है इसका मान आपको ये दे रखा है कितना दे रखा है भैया तो ई e, आप लिख लेंगे यहां पर क्या राइट माइनस ई e, लेफ्ट यही बताया था यही बताया था तो देखो राइट राइट वाले का मान दे रखा है माइनस के अब लेफ्ट वाले का कितना दे रखा है माइनस के तो ये माइनस के आ जाएगा माइनस के सेवन जीरो पॉइंट सेवन सिक्स ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना आ गया जीरो पॉइंट थ्री फोर प्लस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स बराबर ये हो जाएगा आपका वन पॉइंट वन वोल्ट कितना आ जाएगा वन पॉइंट वन वोल्ट किसका मान आ जाएगा ई नॉट सेल का मान ठीक है अब आप ये मान आप इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा वन पॉइंट वन वोल्ट माइनस के जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन

जिंक है अब जिंक क्या करता है दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है त्यागता है तब इस पर दो चार जाता है इस पर क्या हो रहा है आपका ऑक्सीकरण हो रहा है क्या हो रहा है ऑक्सीकरण आपका हो रहा है बिल्कुल क्लियर जी सर बिल्कुल क्लियर ऐसे ही हम कॉपर वाले की बात करेंगे ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और सी यू बन जाता है यहां पर आपका क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है ठीक अब इसका हम सेल मतलब सेल की अभिक्रिया लिखेंगे सेल की अभिक्रिया कैसे ये लिखी जाएगी जेड एन प्लस के सी यू टू प्लस ये एरो दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल हो जाएंगे ठीक और ये आपका आ जाएगा जेड एन टू प्लस और ये हो जाएगा प्लस के सी यू ये आपकी क्या हो गई ये आपके इस सेल की अभिक्रिया हो गई क्या हो गई सेल की अभिक्रिया हो गई ठीक है हाँ। अब आप देखेंगे कि भैया प्रोडक्ट आपका ये वाली साइड होगा प्रोडक्ट आपका ये वाली साइड है और रिएक्टेंट आपका ये वाली साइड है है कि नहीं है तो भैया यहाँ पर आयनिक फॉर्म में कौन आ रहा है Zn2+ तो Zn2+ की सांद्रता कितनी दे रखी है 1M क्या लिख देंगे आप 1M अपॉन में भैया अब आपका इधर इधर रिएक्टेंट की तरफ Cu2+ आयनिक फॉर्म में आ रहा है जिसकी सांद्रता कितनी है 1M ठीक है 1M अब मैं आपको एक बात बता दूं लॉग एक का जो मान होता है वो कितना होता है जीरो कितना होता है? जीरो होता है लॉग एक का मान तो ये वन अपॉन में वन का मतलब वन ही हो जाएगा तो ये लॉग वन हो जाएगा तो इसे आप ऐसे लिखेंगे इसे आप ऐसे लिखेंगे आगे वन पॉइंट वन माइनस के जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन डिवाइडेड बाई टू इन टू में ये हो जाएगा लॉग वन और लॉग वन का मान कितना जीरो कंप्लीट इसे जीरो कर देगा क्योंकि जीरो का गुणा किसी में करोगे उस जीरो जीरो वन पॉइंट वन बोल्ट इसका आंसर आ जाएगा ठीक है जी आपने सेल का निकाल लिया तो भैया डेनियल सेल का ई सेल का मान कितना होता है वन पॉइंट वन बोल्ट कितना वन पॉइंट वन बोल्ट होता है बात क्लियर तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन ये सभी बातें आपको मालूम होनी चाहिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर सेकंड सेकंड आपका क्या कह रहा है इसे हम देखेंगे तो देखो भैया इसमें भी आपको ये सेल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से दे रखा है इसमें भैया सेम वही क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन कोई अंतर नहीं है बस क्या कर दिया है वहां वन एम था यहाँ पर जीरो पॉइंट वन एम सिर्फ यहाँ पर भी कट के लॉग वन आ जाएगा वो जीरो बन जाएगा कैसे निकालेंगे और इनका जो मान है वो दे दिए तो पहले तो आप सेल e का मान निकालेंगे ई नॉट सेल का मान किससे ई नॉट आर माइनस के ई नॉट एल ठीक है आर आर आपका किधर होगा इधर होगा कॉपर वाले और कॉपर वाले का मान कितना दे रखा है जीरो पॉइंट थ्री फोर माइनस के लेफ्ट वाला आपका एम वाला है एम कितना दे रखा है ये भैया गलत है यहां पर माइनस होगा ठीक है कितना होगा माइनस के ठीक है माइनस के तो यहां पर माइनस टू पॉइंट थ्री सेवन इसे जब आप ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस लिख लेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जीरो प्लस के टू तो ये हो जाएगा आपका कितना सात और ये ग्या, ग्यारह हासिल एक सात पॉइंट कितना दो पॉइंट दो पॉइंट सात एक बोल्ट आ जाएगा भैया इतना मान जो है वो आ जाएगा ठीक है किसका ई नॉट सेल का अब भैया आप वैल्यू में पुट करेंगे आपको क्या करना है ई सेल कैलकुलेट करना है तो ई नॉट सेल माइनस के जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन में एन ये हो जाएगा लॉग पी की कंसंट्रेशन अपॉन में आर की कंसेंट्रेशन ठीक है अब आपको भैया ई नॉट सेल का मान कितना है भैया ये आपका 2.37 माइनस के ये हो जाएगा 0.059 पॉइंट अपॉन में एन का मान देखो यहाँ पे दिख रहा है दो यहाँ पर भी दिख रहा है दो तो एन का मान कितना दो ठीक है ये हो जाएगा लॉग लॉग देखो इसकी भी 0.1 दे, दे रखी है और इसकी भी 0.1 दे रखी है ठीक है दोनों की दोनों जब कटेंगे आपस में एक हो जाएगा और अभी बताया मैंने कि लॉग एक का मान कितना होता है जीरो कितना होता है जीरो तो जब एक का मान इसमें पड़ जाएगा टू पॉइंट थ्री सेवन माइनस के जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन डिवाइडेड बाई टू ये हो जाएगा आपका कितना लॉग वन और लॉग वन का आप मान इसमें डाल देंगे तो ये हो जाएगा टू पॉइंट थ्री सेवन ये इतना हो जाएगा सॉरी यहाँ पर थ्री सेवन सेवन वन क्या है? ये भी आप सही कर लेंगे ठीक है ये भी आपको क्या है सही कर लेना है ठीक इसे भी आप क्या कर लेंगे सही कर लेंगे ठीक टू पॉइंट सेवन वन टू पॉइंट सेवन ठीक है बात क्लियर है भाई ठीक है हा माइनस के हाँ, माइनस के, के अब भैया जब आप इसमें ये लिखेंगे जीरो पॉइंट जीरो 59 2 में 0 0 का गुणा किसी से करोगे 0 हो जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2.71 बोल्ट किसका ई सेल का मान जो है निकल के आ जाएगा यही आपको कैलकुलेट करना था ठीक है यही आपको क्या करना था कैलकुलेट करना था वो कह रहा है सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बड़े सरल क्वेश्चन है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ही आपको दे रखा है भैया एन प्लस टू एन आई Ni प्लस टू एन आई इलेक्ट्रोड का मानक ज्ञात करना है जबकि आपको ये ये दे रखा है ठीक है ये ये आपको डाटा दे रखा है तो ये आपको क्या करना है आपको क्या दे रखा है सेल का सेल विभव मतलब आपको ई सेल का मान कैलकुलेट मतलब दे रखा है भैया वो कैलकुलेट नहीं करना है जीरो पॉइंट फाइव नाइन वोल्ट ठीक है अब आपको इसका मान दे रखा है तो भैया ई नॉट सेल का मान कैलकुलेट करना है पहले तो ई नॉट सेल का मान आपको ई नॉट सेल का ही मान दे रखा है ठीक है जी ई नॉट सेल का ही मान आपको दे रखा है तो कैसे निकालेंगे भैया उसको निकालने का तरीका उसको निकालने का तरीका आपका ये है क्या ई नॉट आर माइनस के ई नॉट लेफ्ट यही तो होता है हाँ भाई तो देखेंगे लेफ्ट तो देखो राइट वाला तो ये है और लेफ्ट वाला ये है तो आपको पता चल गया भैया राइट वाला ई e नॉट राइट राइट कौन सा भैया ये कॉपर वाला तो सी यू टू प्लस सी यू अब देखो ये जो लेफ्ट वाला है ना ये ऑक्सीकरण हो रहा है यहां पर इसका आपको हमेशा इस वाले फॉर्मूले में इसे किसमें बदलना होगा इसे आपको अपचेन में बदलना होगा एनोड को मतलब किस में बदलना होगा इसे इसको आपको रिडक्शन में बदलना होगा तो रिडक्शन में बदलेंगे तो ये लिखना पड़ता है यहां पर एन आई प्लस टू और ये एन आई एक्चुअल में ये क्या है यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है देखो जीरो से प्लस दो हुआ ऑक्सीकरण हो रहा है ठीक है यहां प्लस दो से जीरो हुआ यहाँ पर आपका रिडक्शन हो रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है हाँ अब भैया जब आप ये रखेंगे ये आपने फॉर्मूले में रख दिया E नोट सेल का मान आपको दे रखा है कितना जीरो पॉइंट फाइव नाइन और क्या मान दे रखा है आपको भैया कॉपर वाले का मान दे रखा है तो पर लिखेंगे जीरो पॉइंट फाइव नाइन बराबर इसका मान कितना है जीरो पॉइंट थ्री फोर माइनस के माइनस के ये दे रखा है आपको इस प्रकार से ठीक यहां तक बात क्लियर जी सर बिल्कुल क्लियर ठीक है यहां तक बात क्लियर है अब ये इसको मैं इधर लेके जाऊंगा और इसे इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा आपका e e यहां पर टू प्लस ये इस प्रकार से यहां पर नॉट यहां पर नॉट ठीक है यहां पर नॉट बराबर ये हो जाएगा आपका जीरो पॉइंट थ्री फोर माइनस के जीरो पॉइंट फाइव नाइन ये आपका हो जाएगा जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा माइनस के जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव टू बोल्ट इतना बोल्ट आपका क्या निकल के आ जाएगा ई नॉट एन आई प्लस और यहाँ पर ये एन आई ये तो यही आपको क्या करना था कैलकुलेट करना था ठीक है जी यही आपको निकालना था उसने यही पूछा है आपको क्या निकालना है वो कह रहा है एन आई और ये एन आई टू प्लस स्लेशन आई इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन इसका मतलब होता है मानक इसका मतलब क्या होता है नोट लगा होता है इसका मतलब क्या होता है मानक होता है क्या होता है मानक अपचयन इलेक्ट्रोड का मान ज्ञात कीजिए कीजिए या उसकी गणना ठीक है जो आपको निकालना है बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ठीक है ये आपको एक एक नंबर में या दो दो नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक नंबर में अच्छा लेंदी सवाल यहां से तीन नंबर के या चार नंबर का इस प्रकार से पूछा जाता है ek -ek कैसे एक बार देखेंगे इस वाले सवाल को वो कह रहा है निम्नलिखित सेल वाले सेल को निरूपित किया जाता है कुछ इस प्रकार उसकी अभिक्रिया आपको दे रखी है वो कह रहा है ई सेल का परिकलन कीजिए यदि आपको ई नोट सेल का मान इतना दे रखा है तो भैया पहले तो आप क्या करेंगे फार्मूला लिखेंगे पहले आपको क्या करना है फॉर्मूला लिखना है तो ठीक है फॉर्मूला एक बार नोट करेंगे सभी बच्चे फॉर्मूला नोट करेंगे भाई फॉर्मूला लिखेंगे आप ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस के जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन में एन ये लॉग पी की कंसंट्रेशन अपॉन में आर की कंसंट्रेशन ठीक है ये आपको लिखना है भैया ई नॉट सेल का मान आपको दे रखा है कितना दे रखा है भैया थ्री पॉइंट वन सेवन बोल्ट माइनस के जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन ठीक है है ये आपने लिख लेना है। अब एन का मान भैया देखो पता चल रहा है कितने पर देखो दो इलेक्ट्रॉन कितने दो एन का मान तो यहाँ पर मैंने दो रख दिया भाई तो एन का मान आपको कितना दे रखा है एन का मान आपको दो दे रखा है ठीक अच्छा अब लॉग लॉग पी पी देखो आपका इधर साइड वाला होता है पी ये आपका प्रोडक्ट है और इधर साइड वाला आपका रिएक्टेंट है सही बात है कि नहीं बिल्कुल तो भैया P जो आयन वाला होता है वो आपको लिखना है तो P की कंसेंट्रेशन मतलब P की तरफ एम जी प्लस है इसकी कंसेंट्रेशन आपको लिखनी है तो लिखेंगे जीरो पॉइंट वन थ्री जीरो ठीक है ये इस प्रकार से अपॉन में अब देखो क्या होता है कि जैसे ये समीकरण हमें कुछ ऐसे दे रखा है एक बार मैं आपको बता देता हूँ एक जनरल कि जनरल इक्वेशन कैसे होती है रासायनिक समीकरण ए ये ए लिखा हुआ है ये बी ठीक है इस प्रकार से ये रिएक्शन दे रखी है ये सी ये डी ठीक है अब हम इसे लिखना है इसका हमें क्या लिखना है के सी लिखना है के सी ठीक है जी के सी हमें लिखना है या इसे हम जब कैलकुलेट करते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं भैया ये सी है सी पर पावर सी ये डी है डी पर पावर डी और ये ए है ए पर पावर ए और ये आपका बी है बी पर पावर बी ठीक है ऐसे लिखते हैं ये क्या होते हैं ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी आपका क्या है ये आपके मोल्स है नंबर ऑफ मोल मोलों की संख्या या हम कह सकते हैं गुणांक गुणांक क्या है है ये ठीक है तो भैया उनको आपको पावर में लगाना है अब यहाँ पर कुछ ऐसा ही दे रखा है इस वजह से ये बात मैंने आपको बताई क्योंकि यहाँ आगे कितना दे रखा है दो लगा हुआ है तो ये दो पावर में लग जाएगा भाई ये दो पावर में लग जाएगा और इसके अंदर आप लिख लेंगे जीरो 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 वन ठीक है ये आपने इसका मान लिख दिया ठीक है इसी के लिए ये सब जो है हमने आपको बताया ठीक चा. आगे हम देखो बात करते हैं भैया इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा के ये आपको देखो नौ है ना इसमें मैं एक ऐड करके इसे राउंड ऑफ करके जीरो पॉइंट जीरो सिक्स डिवाइडेड बाई टू ये कर दिया अब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो देखो भैया कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए कैसे देखो ये लिखा हुआ है मैं इसे लिख सकता हूं ये जो लॉग वन मतलब लिखा हुआ है देखो एक आसान सी ट्रिक बताऊं कैलकुलेशन की कि जब डेसीमल को किसको डेषिमल डेमल दशमलव आपका जो दशमलव जो है डेसीमल जो है उसे देखो यहां पर डेसिमल लगा हुआ है अब उसे आप यदि लेफ्ट की तरफ लेके जाते हो और राइट right की तरफ लेके जाते हो तो क्या करते हैं तो यहां पर मैं लिख देता हूं लेफ्ट और यहां पर लिख देता हूं मैं राइट ठीक है लेफ्ट और राइट right. तो देखो भाई हम क्या करते हैं जब मैं डेसिमल को राइट right की तरफ लेके जाता हूं राइट right की तरफ जितने कदम में लेके जाऊंगा उतनी आपको पावर नेगेटिव लिखनी है उतनी पावर आपको क्या है नेगेटिव लिखनी है तो भैया इस डेसिमल को मैं बन के बीच में वन और थ्री के बीच में लेके आता हूं किसमें वन और थ्री के बीच में लेके आना चाहता हूं मतलब एक स्टेप चलता हूं तो भैया मैं इसे ऐसे लिखना चाहता हूं कैसे लिखना चाहता हूं वन पॉइंट तरी ऐसे लिखना चाहता हूं तो आपको क्या करना है आपको 10 पे जो घात लगानी है ना 10 पे जो घात लगानी है वो कैसी लगानी है नेगेटिव लगानी है कैसी लगानी है जब आप डेसिमल को राइट साइड लेके आओ तो पावर कैसी लगानी है नेगेटिव अब कितनी नेगेटिव लगानी है जितने कदम आप चलो तो दशमलव यहां पर कितने कदम चलाए एक कदम चलाए तो आप माइनस के 1 पावर लगा देंगे अपॉन में

ये दो ये तीन ये चार चार कदम चला तो माइनस के चार माइनस के चार तो मैंने बताया कि राइट साइड लेके जाओगे डेसिमल को तो पावर नेगेटिव और लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो उतनी जितने कदम आप लेके जाओगे उतनी पावर पॉजिटिव में लगा देंगे उतनी पावर आप जो है पॉजिटिव में लगा देंगे ठीक है हाँ सर यहां तक बात क्लियर तो ये बात आप नोट कर लेंगे ये कैलकुलेशन की ट्रिक जो आसान सी है उसे आप लिख लेंगे अब आपको पता होना चाहिए कि की पावर एम अपॉन में की पावर ऐसा ऐसा हो ऐसा हो तो आपको क्या करना होता है एक की पावर एम माइनस के एन ऐसा कर लेते हैं तो यहां पर कुछ ऐसा ही दिख रहा है आपको दस की घात माइनस के एक और दस की घात माइनस के चार तो इसे लिख लेंगे दस और ये माइनस के वन हो गया ऊपर वाली तो जैसी पावर है वैसी लिखी जाती है नीचे वाली का सिंबल बदल जाता है यदि वो माइनस है तो प्लस प्लस है तो माइनस तो यहां पर देखो एन प्लस का आता है इस वजह से माइनस तो का हो गया तो ये हो जाएगा प्लस के चार कितना प्लस के चार भैया माइनस के चार माइनस के एक और प्लस के चार तो कितना बचेगा प्लस के थ्री कितना प्लस के थ्री तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे ये लिखेंगे आप ये हो जाएगा आपका डिवाइड देने पर जीरो थ्री जीरो थ्री लिख लिया लॉग Log, इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ऊपर सॉल्व करके आ जाएगा दस की घात तीन देखो दस की घात तीन आएगा कि नहीं आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा सर दस की घात तीन आएगा बिल्कुल आ गया सॉल्व करके आ गया कि नहीं आ गया हाँ अब देखो तो ये नीचे, नीचे एक रह जाएगा इस एक का कोई मतलब नहीं होगा इस एक का कोई मतलब नहीं होगा ठीक है एक का कोई मतलब नहीं है ठीक है अब जो है इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको ऐसी ही आइडेंटिटी का पता होना चाहिए और वो आइडेंटिटी एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं इसे आप नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे जिससे आप बाद में अपनी कॉपी पर कहीं याद रखने के लिए नोट कर लेंगे ठीक है चलो तो इसे मैं मिटा देता हूं भाई आगे आपको क्या याद रखना है याद रखना है कि लॉग की कुछ आइडेंटिटीज होती हैं लॉग एम इन एन ये आपको दे रखा हो तो आपको क्या करना है लॉग एम प्लस के लॉग एन ठीक है एक तो ये मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटी है एक डिवाइड वाली है लॉग एम अपॉन में एन तो ये हो जाएगा लॉग एम माइनस के लॉग एन देखो माइनस में वो होगा जो नीचे वाला है देखो एन नीचे है तो माइनस में लॉग एन हो गया ठीक है ऐसे ही लॉग एम पर पावर एन एम पर पावर तो एन जो पावर में होती है वो आगे आ जाता है और लॉग एम इसे लिख लेंगे ठीक है ये आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए मालूम होनी चाहिए ठीक है ये आइडेंटिटी क्योंकि इन्हीं आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे इसे जो है मैं एम मान लूंगा और इसे मैं एन मान लूंगा ठीक है जी इसे मैं एन मान लूंगा तो ये आइडेंटिटी आप याद रखेंगे अब जो है इसको क्या करते हैं भैया इसे सॉल्व करते हैं तो मैं वही इसे मिटा देता हूं आप लिख लेंगे नोट कर लेंगे ठीक है यहां पर यहां पर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका थ्री पॉइंट वन सेवन जीरो पॉइंट जीरो इन टू इन टू अब देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई ये एम है तो भैया लॉग एन लॉग एन का मान कितना हो जाएगा दस की घात तीन ठीक है अब ये इसका मान लॉग वन पॉइंट थ्री तो देखो मैंने आपको लॉग एक का मान बता दिया कितना होता है जीरो लॉग वन पॉइंट थ्री का मान कितना होगा लगभग आप जीरो भी मान सकते हैं लेकिन एक्चुअल में आपको पता हुआ है पता है तो आप जो है उसका मान रख देंगे क्योंकि ज्यादा बड़ा मान होता नहीं है जीरो पॉइंट वन वन थ्री नाइन इसका मान होता है ठीक प्लस के अब आपको अभी बताया था कि यदि एम पर पावर एन लगी हो तो वो आगे आ जाती है तो देखो तीन आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग दस कितना हो जाएगा लॉग दस और लॉग दस लिख लेंगे लॉग जो दस होता है उसका मान कितना होता है एक होता है कितना होता है एक होता है ठीक है तो ये एक इसका आप मान रखेंगे जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के आपका कितना जीरो पॉइंट वन वन थ्री नाइन प्लस ये हो जाएगा थ्री इन टू वन क्योंकि लॉग दस का मान एक हो गया तीन एकम तीन जब इसे आप एड करेंगे तो कितना हो गया जीरो पॉइंट जीरो थ्री और ये हो जाएगा थ्री पॉइंट वन वन थ्री नाइन ठीक है और ये हो जाएगा आपका थ्री पॉइंट वन सेवन अब आपको भी ये इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद थ्री पॉइंट वन सेवन माइनस के जीरो पॉइंट टू वन टू वन कुछ आ जाएगा ठीक है आप दो के दो तक डेसिमल तक सोल्व कर लेंगे जब इसे आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा टू पॉइंट टू पॉइंट नाइन सिक्स वोल्ट कितना 2.96 वोल्ट एक बार चेक कर लेते हैं 1 uh, point, sorry, 1.7 1. सॉरी 3.17 ये हो जाएगा 0.21 ठीक है तो ये कितना हो जाएगा भाई 6 ये कितना हो जाएगा 11 दो गए तो 9 no. ठीक है ये दो इतना ही आ रहा है आपका ठीक है इतना ही आपका आंसर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा ई e सेल का मान आपका निकल के आ गया किसका ई e सेल का मान आपने कैलकुलेट कर लिया कितना आया 2.96 2.96 ठीक है आपका आंसर आ गया तो ये थे आपके क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं जो के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये वही क्वेश्चन है जो आपके किसी न किसी वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन में आपके लिए लेके आया हूं ठीक है तो एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए रहेगा ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है ठीक है इसका आपको आंसर जो है इसका आपको आंसर जो है किस में बताना है कमेंट बॉक्स में बताना है ठीक है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है ठीक है जी आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको किस में बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर हमारा इसका आंसर ये आ रहा है ठीक है आपको ये बताना है ठीक अब इसकी पी डी एफ कहाँ मिलेगी तो इसकी पी डी एफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ठीक है किस पर टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है तो यह नाम है आपका पाठशाला टू फोर सेवन बोर्ड एग्जाम पर ये सर्च करेंगे उसे आप ज्वाइन करेंगे वहां से इसकी पी डी एफ मिल जाएगी ठीक है चलो अब ऐसे ही आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रत्येक कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ना है आपको भरपूर प्रैक्टिस आपको करनी है तो उसके लिए आपको हमारा बैच जो है वो परचेज करना पड़ेगा क्लास ट्वेल्थ के लिए लक्ष्य बैच चल रहा है आपको 95 फाइव प्लस अंक जो है वो प्राप्त करने हैं तो आप लक्ष्य बैच को परचेज करेंगे जिसमें क्या क्या फीचर्स हैं जिसमें आपको लाइव बैच रिकॉर्डेड बैच रिविजन बैच मतलब तीन तीन बैच आपको मिलेंगे साल के के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे इसके साथ साथ आपको दस मोक टेस्ट आपको मिलेंगे और आपका मैराथन क्लासेस के साथ रिवीजन भी कराया जाएगा बाद में जिसे हम वन शॉर्ट रिवीजन क्लासेस बोलेंगे ठीक है इसके लिए जो प्राइस है वो कितना है अठारह सौ रुपए तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करेंगे उसे परचेज कर लेंगे इस बैच को आपको बेनिफिट हो आपकी क्लास कंटिन्यू रहे आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना रहे ठीक है तो यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइए चलिए कि तो किसी को कोई समस्या नहीं है तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद टेक केयर